दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसी तां मैं हिम्मत सिंह दिगपाल। शहीद आजम सरदार भगत सिंह उन्हां दे जद्दी पिंड खड़खड़ कलां दे विच खड़े हैं जिथे उन्हां दा जद्दी घर है। तां राज्यसभा मैंबर बनन तों बाद संजीव अरोड़ा पहली वारी इत्थे शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई पहुंचे ने। तां गल्लबात कर लैंदे आ, संजीव जी राज्यसभा मैंबर बनन तों बाद अज पहली वारी शहीदां दे घर दे विच पहुंचे हो, श्रद्धांजलि दित्ती है, की कहना चाहोगे? मैं तां इही जी पहलां वी किहा हुण दुबारा कह रहा कि असीं छड्डो साडियां सारियां आउण वालियां जनरेशन इहनां दा देना नहीं दे सकदे जिन्नी कुरबानी शहीद भगत सिंह जी ने और उन्हां दी फैमिली ने दित्ती है। बड़ी छोटी छोटी उम्र च जवानी विच इन्हां ने अपनी कुरबानियां दित्तियां आज़ादी लई और इन्हां दा सानू इन्हां दे पिंड दा इन्हां दे रहण वाले इत्थे लोकां दा इन्हां दे जिहड़े अनसैस्ट्रल होम है सब दा ध्यान रखना साडा फर्ज़ है। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਚੱਲਾਂ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਰਤਨ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? हाँ, मैं यही कहा, मैं क्या क्यों जेडे बोर्ड वगैरह लगने हैं उदा मैं अलग दे दूंगा भी कुछ सोहने जे लगाए जान, हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन होवे भी उन्होंने माता जी की सी, उन्होंने चाचा जी की सी, पंजाबी ते इंग्लिश दोनों भाषावां विच उत्थे लिखे लगे जान। संजीव जी, दिल्ली तो बाद पंजाब दे विच सरकार बनी है, तुहाडी बहुमत दे नाल 92 सीटां आईयां ने, तां हुण हिमाचल दे विच इलैक्शन होके हटे ने, किवें देखदे हिमाचल दे विच? हुण रिजल्ट आई जाने हैं, वोटां पै चुकी हैं, देखांगे। गुजरात दे विच अजे होण वाले ने इलैक्शन, उत्थे किवें देखदे हो कि लगदा सरकार बनन जा रही गुजरात दे विच? जिथे भी आम आदमी पार्टी इलैक्शन लड़ेगी वोट शेयर तो वधेगा ही वधेगा। हुण उह वोट शेयर सीटां च किद्दां कन्वर्ट हुंदा तुहानूं पता, हुण जदों दी साडी पार्टी आई है मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होने लग पे, वह 1-2% इधर उधर डिसीजन हो जाते, सो डिपेंड करता हुण देखिए किस तरह हुंदा। अग्गे सिर्फ 2 पार्टियां हुंदियां सीगियां, हुण 3 हो गईआं, सो उहदे नाल फर्क है। देखो की सरकार बनदी नज़र आ रही है जी पंजाब तो बाद हुण किसी होर सूबे दे विच? जरूर बनेगी जी, जरूर बनेगी साडी सरकार, जरूर बननी चाहीदी। बिल्कुल, इह सन संजीव अरोड़ा, तस्वीर तुसीं देख सकदे हो, शहीद आजम सरदार भगत सिंह उन्होंने जद्दी घर के पहुंचे ने, तो कई सारी अनाउंसमेंट भी करके गए ने, तो 10 लाख की जिहड़ी कि ग्रांट है वह भी इन्हां दे वल्लों जारी की गई है। तो नाल दी नाल ही भी किया कि होर भी जिथे भी लोड़ होएगी तो सरकार दे वल्लों जां साडे वल्लों पूरी तरह दे नाल जिहड़ी कि उह हैल्प आ की जाएगी। तो तस्वीरां थोड़े नाल सांझियां कर रहे हैं खड़खड़ कलां तो, जिथे राज्यसभा मैंबर बनने तो बाद पहली बारी MP संजीव अरोड़ा जिहड़े ने इत्थे पहुंचे ने, तो कई सारी अनाउंसमेंटा भी करके गए ने, तो नाल दी नाल भी किया 10 लाख रुपए की जिहड़ी ग्रांट वो भी दित्ती है, तो नाल दी नाल भी किया कि जिहड़ियां अंदर पुरातन जिवें कि जिहड़े बर्तन पे ने जां समान पे जां तस्वीरां पईआं ने, तो उन्हां दे उत्ते लिख के भी लगाया जाए तो जो अज दे नौजवानां नूं पता लग सके भी किहड़ा समान उस नूं की कहिंदे ने, क्योंकि कई सारे बर्तन पुराने इह जिहड़े जिहड़े साडी यूथ नूं जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उन्हां नूं उस दे बारे जानकारी नहीं हैगी। कैमरा पर्सन बोबी ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਖੜਖੜ ਕਲਾਂ।